यह सारा कावे का मटीरियल है। ये तकरीबन 10-15 मिनटा तक पकना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। दोस्तों आज तो कह लेंगे अजूबा ही हो गया, जो चीज़ हमारी 2023 में खोई थी आज हमें देखने को मिल गई। पता क्या कि आज भाईजान ने तकरीबन 4 बजे के करीब सूरज ने अपना मुंह दिखाया और इर्द गिर्द धूप की जो है ना ऐसे चमकार लहर ऐसे रोशनी फूटी और सर्दी एकदम से गायब हो गई। तो यार अल्लाह का शुक्र है कि धूप ने जो है ना अपना चेहरा मुबारक दिखाया कि मैं जो है ना धूप कह रहा हूँ कि सूरज ने। तो चलें जी माशाल्लाह आगे इंशाल्लाह ताला अब वेदर में चेंजिंग आएगी क्योंकि धूप निकलना स्टार्ट हो गई है। जो बर्ड ठंड की वजह से परेशान थे अब सेका वगैरह लगेंगे तो हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे। तो चले, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कावा बनाना है। मैंने इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। एक साइड पे ये पर्ची है, मैंने टैग कर दी है। इसमें दालचीनी, कलमंजी, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार लेके 1 लीटर पानी में ऐड करनी है। मैं तो बाज़ार से भाईजान ले आया हूँ, मैं तो 100 रुपया इस पर लगा के, तो ये कुछ इस तरह की जो है ना लुक प्रीमियम सी। अब इसमें गौर करें, कलवंजी भी है, मेथरे भी हैं, सौंफ है, 4 अजवाइन है, उसके बाद दालचीनी है, थोम है, अदरक है, जो पत्ते नज़र आ रहे हैं वो तेज सफ़ेदे का पत्ता है, उसके बाद सोंड है, मलट्ठी है, ये चीज़ें सर जी ये सारी इसमें मैंने ऐड कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला अब इसका जो है ना बेहतरीन करके कावा तैयार होगा। ये कावा हम अपने तमाम बर्ड को यूज़ करवाएंगे। अभी इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। इसको चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसको हमने जैसे कैसे यूज़ करना आगे वीडियो में तफसील से बताऊँगा। ये देखें थोम वगैरह इसमें हर चीज़ जो है ना ऐड कर ली है, ये सारी थोड़ी थोड़ी मिकदार में, इतनी इतनी है, यानी कि अन्नी माँ अन्नी पा दो प्रोग्राम नहीं करना। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। इस सब इंग्रेडिएंट्स को 1 लीटर पानी में हमने डालना है और इसको उबाला देना है। पका पका के जब वो रह जाए 1/2 लीटर पानी तो हांडी नू ला लेना है, पानी ठंडा कर लेना, पानी पुन के एक बोतल च पा लेना है। लीटर की ड्यू की बोतल मंगाओ, सारे जने रल के पीओ, ड्यू दी या पैप्सी दी मंगा लो जड़ी पसंद है, उन्होंने खाली करके वो जरा महलूल साढ़े को जरा लिक्विड तैयार होना है उन्होंने महफूज करके रख लो। तो हफ्ते ज हर 2 दिन बाद 2 दिन अपनी रूटीन का पानी चलाओ, 3रे दिन नया चला दो। इंशाल्लाह ताला जेड़े बर्ड फुल के बहते हैं, जेड़े बर्ड ठंड मना रहे ने, जिन्हों का कोई पेट का मसला है, बुखार है, जिसम दर्द है, या कोई ऐसा जिदी यानी कि मौसम की तब्दीली खासकर दीवाना बर्ड परेशान ने, इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा, जान से आई जाएगी। इंज कह लो कि सुलेमानी कुश्ता जोड़ा है ना बन रहा, तो यहोजी चीज़ा ताड़ा भरा ताे अस लैके आता रहा। चूल्हा सा पहा लिया, यह पे जे सारा माल ग्राम, तो इनू लुदने ये लो जी, ऐ पिया जी ठीक हो गया, ऐ गया जी उत्ते, चूल्हा थोड़ा घट कर दिए। इंशाल्लाह ताला ए लीटर पानी पाया, ए सारा कावे का मटीरियल है, ये तकरीबन 10-15 मिनटा तक पकना शुरू हो जाएगा। हाँ, पर्ची दे पुदीना नहीं लिखा, मैं पुदीने दिया अपने वालों इजाफी इत दो टहनियाँ सुटिया ने ता कि हाजमादार जड़ा ना साडा महलूल तैयार हो, एक जड़ा ना वाइब जी बने कमाल दी बने। ये सर हर चीज़ यह चीज़ जो बर्ड पीएगा टोटली आर्गेनिक, कोई जेडे ये सेंथेटिक जड़िया कोई कैमिकल ना बनिया चीज़ा नहीं। इंशाल्लाह ताला कलवंजी ये कुरान पाक के जिक्र है, मौत तो अलावा ये हर तरह की शफा है। बेसिकली ए फुल ठंड के मैंने नुस्खा दर्दा शेयर करना चाहिए है, हूँ तो ठंड घटने वाली सैड से जा रही है। बाहर आला एहतियात नोट करके रख लो, जो सर्दी बने मौसम तब्दील हो हफ्ते 2 दिन यूज़ करा लो, इंशाल्लाह ताला ताडे बर्ड जड़े ने ना सर्दी की वजह ना मौसम की तब्दीली की वजह ना कुछ भी नहीं उन्होंने होएगा, कोई उन्होंने मसला मसायल ना आएगी। अल्लाह लो उन्होंने लिखी होएगी तो कोई रोक नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ताला ए मैं 2 साल तो इस्तेमाल करता आ रहा, तो बहुत ही जड़ा ना कारम चीज़ है। ये साडे प्यारे भाई साडे मोहसन तसद्दक वान साहब उन्होंने रेसिपी उन्होंने मेरे ना शेयर की,
दो साल पहले, तो माशाल्लाह बड़ी अफादियत है। हूँ सर इसको अब हमने जब यूज़ करवाना है ना, तो एक लीटर पानी में आपने बोतल का एक ढक्कन मिक्स करना है, नीम गर्म गुनगुना पानी लेना है। बर्ड आपके का पानी निकला हो, यानी कि रात को पानी निकाल जाए, दिन टाइम पानी लगाएं, फुल त्रे लगी होए लगाते ही पानी पी लें गुनगुना पानी, तो इंशाल्लाह ताला बर्ड के जो मसले मसाइल ने वह इंज कमाल दे जड़े ना ठंड की वजह मसले मसाइल बने होंगे क्लियर हो जाएंगे। हूँ कुछ देर तक कावा तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं उसको सेव करके उसको कैसे हमने यूज़ करवाना है, और बड़े को डाल के भी दिखाते हैं जी। पानी अब खोलना शुरू हो गया हल्का हल्का, देखते हैं अब मज़ीद जो अगले मराहल में। इस पानी को हमने हाफ जब तक नहीं हो जाता, ये एक लीटर है, तब तक इसे पकने देना है। उबाले चढ़ते ने पहले के जितना जो जोश खाता है खाने दे, अच्छी तरह इन चीज़ों का अर्क निकालना है। ले जी दमाल डलनी शुरू हो गई है, अर्क कह लेंगे इन चीज़ों का अब निकलेगा। हाय 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 नाजरीन, अब आपने देख लिया कैसे खोल रहा है। ये रेसिपी हमारी जो है ना बेहतरीन किस्म की, ये देखे तैयार भी हो गई है हर चीज़ अंदर जो है ना, अभी कह लें कि पौना लीटर हुआ है। तो ये अब ये चीज़ है महलूल, आपने इस तरह बोतल में महफूज करके रख लेना है। इसका एक ढक्कन एक लीटर पानी में पानी परिंदों को प्यास दे के आपने यूज़ करवाना है। अभी ये रेडी हो जाता है, इसको हमने छान लेना है, इसमें जो हमने गज़ार डाले हैं वो लहदा कर देने हैं, क्योंकि उनमें अब उनका रंग वगैरह पानी भी निकला है। पानी को हमने सेव करके रख लेना, पूरी सब्जियां भी बढ़ा लेगा, कोई मसला नहीं रहेगा। तो कोशिश करें एक लीटर बनाए जो महीने में ख़त्म भी हो जाए, हफ्ते में दो दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कल आपके बर्ड बेहतरीन देंगे। दोस्तों आज की जो रेसिपी है जो हमने बनाई है चीज़, इंशाल्लाह ताला आपके सेटअप पे ये एक बेहतरीन रोल अदा करेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद भी आई होगी, आपने लाजमी लाइक भी कर दिया होगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इसी तरह के मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।